तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि गूगल शीट्स में कोई न्यू डेटा के ऐड होते ही आप हेल्प वाइज एप्लीकेशन में कैसे ही ये कॉन्टेक्ट को क्रिएट करें तो मैंने पब्लिकन की मदद से गूगल शीट्स और हेल्प वाइज एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू डेटा मैं ऐड करता हूँ मेरी गूगल शीट्स की रो में तो उसके ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली ये कॉन्टेक्ट क्रिएट कर देता है मेरी हेल्प वाइज एप्लीकेशन में तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए पैबली डॉट कॉम स्लैश कनेक्ट देन एंटर कर दीजिए ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे। जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैबली के सेक्शन की ओर जहां हम करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे की पे, जहां करेंगे create workflow और पहले इस को कोई नाम देंगे, गूगल शीट्स टू हेल्प वाइज ऑटोमेशन आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं क्लिक कीजिए और क्रिएट पर क्लिक करते ही ये आएगा हमें पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है तो क्या होता है जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो अब क्या करो जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए तो हमारे केस में क्या हो रहा है हम जब भी हमारे गूगल शीट्स की किसी स्प्रेडशीट में कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करते हैं तो हम चाहते हैं वो डिटेल को ऐड करते ही ऑटोमेटिकली हमारी हेल्प वाइज की एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट क्रिएट करना तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज करूँगा गूगल शीट्स को और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे जो ट्रिगर इवेंट है वो मिलेगा न्यू और अपडेटेड स्प्राइट शीट रो तो मैं उसको चूज कर लेता हूँ और उसे चूज करते ही आप देख सकते हैं इसने मुझे यहाँ पर एक वेबुक यू दे दिया है तो भला ये वेबुक यू आर किस लिए तो जैसा कि हम जानते हैं कि गूगल शीट्स और पैब्ली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन से और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन सेटअप हो जिसकी मदद से हम हमारी गूगल शीट से डेटा रिसीव कर सकें हमारे इस वर्कफ्लो में और देन उसको भेज सकें हमारी एक्शन एप्लीकेशन में तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि ये मदद करती है डेटा ट्रांसफ़र में तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद मैं आपको लेकर आता हूँ मेरे गूगल शीट्स की ओर जहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैंने एक स्प्रेडशीट क्रिएट की है विद द नेम हेल्प वाइज कॉन्टैक्ट्स डेटा और इसके अंदर जो मैं कॉन्टेक्ट का डेटा ऐड करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी जॉब टाइटल और ई मेल ओके तो इसमें मैं जैसे ही डेटा ऐड करूँ तो मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट्स को ऑटोमेटिकली क्रिएट करना हेल्प वाइज में तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ एक्सटेंशंस में देन एड गेट Get गेट -ons. ons पे आते ही ये मुझे लेकर आएगा गूगल के वर्क स्पेस मार्केट प्लेस में जहाँ मैं सर्च करूँगा एप्लीकेशन में पैबली कनेक्ट वेब बुक्स को और ऐसा करते हैं यहाँ पर पैबली कनेक्ट वेब बुक्स की एप्लीकेशन आपको यहाँ मिल जाएगी देन आप इसको ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद अगर आपने इसको पहले इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टॉल बटन उस पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन मैं पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं सिंपली बैक पे जाऊँगा और ऐसा जाने के बाद मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लूँगा रिफ़्रेश करने के बाद मैं दोबारा जाऊँगा मेरी एक्सटेंशंस की ओर और, और उस पर क्लिक करते ही यहाँ नीचे आप देखेंगे पैबली कनेक्ट वेब बुक्स को आते हुए तो ये एप्लीकेशन जो है यहाँ अपीयर हो गई है तो इसके इनिशियल सेटअप में जाइए और इनिशियल सेटअप में आते हैं यहाँ पर हमको जो हमारी सिलेक्टेड शीट है वो है शीट वन उसके अंदर यहाँ पर पहले तो वेबुक जो आर एल ऐड करना है तो जो वेबुक ज्यू आर एल हमने अभी कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है ट्रिगर कॉलम तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर कॉलम क्या है तो मैं आपको बता दूँ हमारी शीट के अंदर जो कॉलम स्टार्ट होते हैं वो होते हैं ए से लेकर जैड तक तो इसके अंदर हमें वो कॉलम सेलेक्ट करना है जो कि है लास्ट फील्ड कॉलम हमारी शीट का तो लास्ट फील्ड कॉलम से ये मतलब हुआ कि ये जो ई मेल दिख रहे हैं आप इसके बाद कोई भी कॉलम फील्ड नहीं है तो ए से लेके ई तक ये फील्ड है तो लास्ट फील्ड कॉलम हुआ हमारा कॉलम ई तो यहाँ पर आपके लास्ट फील्ड कॉलम को आप लिख लीजिए देन सबमिट पे क्लिक कीजिए कर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो सेटअप है वो सक्सेसफुल हो जाएगा ऐसा होने के बाद आप इसको क्लोज़ कीजिए और वापस जाइए एक्सटेंशन में देन पब्लिक एनेट वेबुक्स की एप्लीकेशन में और इस बार सिलेक्ट कीजिए सेंड ऑन इवेंट बटन को तो यहां आप देख रहे हैं ये वर्किंग बता रहा है और यहाँ ये वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है दैट मीन्स हमारा जो ये इंटीग्रेशन है वो फाइनली सेटअप हो चुका है अब जब भी कोई भी डेटा मैं ऐड करूँगा मेरी शीट के रो में तो ऑटोमेटिकली वो डेटा जो है हमारे वर्क फ्लो में कैप्चर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यह ऑलरेडी ही वेट कर रहा है एक वेबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का क्योंकि यहाँ पर हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बेसिस पर ही हम कॉन्टैक्ट क्रिएट कर पाएंगे हेल्प वाइज के एप्लीकेशन में तो यहाँ हमें डेटा चाहिए तो डेटा के लिए हम आते हैं वापस हमारी शीट की और, और यहां पर कोई डमी डेटा ऐड कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल उसका नाम भी ऐसा ही मैं दे देता एज डमी डेटा कंपनी कोई एक्स वाई जेड जॉब टाइटल अकाउंटेंट और ईमेल एड्रेस भी मैं कोई ऐसा डमी ईमेल एड्रेस जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है सारी डिटेल्स जो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं मेरे इस गूगल शीट्स की रो में और लास्ट जो कि ट्रिगर कॉलम है उसमें भी डेटा ऐड हो चुका है ऐसा होने के बाद मैं सिंपली एंटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये यह डेटा सेव हो जाएगा और डेटा सेव होते ही इसका जो रिस्पॉन्स है वो हमारे इस वर्क फ्लो में भी आ जाएगा आप देख सकते हैं अभी अभी यहाँ ये रिस्पॉन्स आया है जिसके अंदर फर्स्ट नेम जो डाला था मैंने डमी लास्ट नेम डेटा कंपनी एक्स वाई जेड जॉब टाइटल ई और हमारी जो स्प्रेडशीट का नाम है वो भी यहाँ पर आ चुका है तो ऐसा करने के बाद हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को ऐड करना हेल्प वाइज की एप्लीकेशन में तो उसके लिए यहाँ पर जो एक्शन एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा हेल्प वाइज और ऐसा करने के बाद यहाँ से मुझे चूज करना है एक्शन इवेंट तो मैं ये ड्रॉपडाउन को ओपन करता हूँ और आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे एक्शन इवेंट्स हैं लेकिन हमें तो कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट का भी एक्शन इवेंट है तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और करूंगा एक ऐड न्यू कनेक्शन तो एड न्यू कनेक्शन के लिए हमें पर पर लगता है की और सीक्रेट हमारे हेल्प वाइज के अकाउंट का तो उसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं यहां लिखा है लॉग इन टू योर अकाउंट यू कैन क्रिएट योर एपीआई की एंड सीक्रेट की फ्रॉम हेयर क्या आप आपके अकाउंट पे पहले तो लॉग इन कर लीजिए और उसके बाद आप आपकी एपीआई की और सीक्रेट की को क्रिएट कर सकते हैं सिंपली यहां हेयर पे क्लिक करके तो ये जो हेयर है इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और ऐसा होता है आप देख सकते हैं ये मुझे मेरे हेल्प वाइज की एप्लीकेशन में लेकर आया है तो वो वाला इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही लॉगिन किया हुआ था मेरे ब्राउज़र में मेरे हेल्प वाइस की एप्लीकेशन को तो ये डायरेक्टली इसके ए में मुझे लेकर आया है जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ए पी तो यहाँ सबसे पहले जो ए की देख रहे हैं उसको कॉपी करूँगा मैं देन आऊँगा मेरी वर्क फ्लो की ओर और, और यहाँ पेस्ट कर दूँगा पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे लगाना होगा कॉल यहां पर कोलन लगाना होगा तो ये मैंने कोलन लगा दिया है उसके बाद मैं वापस आता हूं यहाँ पे और इस बार एपीआई सिगरेट की को भी कॉपी कर लेता हूं देन यहां पे एपीआई सिगरेट की पेस्ट कर दूंगा तो हमारा जो ए की और ए पी आई की दोनों ऐड हो चुकी है तो आप सोच रहे होंगे यहाँ कोलन क्यों ऐड किया तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पे ए की और ए पी आई सिकरेट की के बीच में एक कोलन होना जरूरी है ठीक है ऐसा करने के बाद मैं जैसे ही क्लिक करूंगा सेव बटन पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो चुका है और ऐसा होते यहाँ पर आप कुछ फील्ड्स देख सकते हैं जो कि है प्राइमरी ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी नेम जॉब टाइटल की तो मैंने इसी बेसिस पे मेरी गूगल की स्प्रेड शीट में जो है शीट क्रिएट की थी और उसके अंदर जो मैंने कॉलम्स रखे थे वो मैंने ऐसे ही रखे थे उसमें आपको देख पाएंगे आपकी फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी नेम जॉब टाइटल और ई है फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी जॉब टाइटल और ई ठीक है तो ये डिटेल्स हमारी गूगल की स्प्रेडशीट में है और साथ ही साथ इसको हमने रिसीव किया था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन में तो अब हमें अगर ऐड करना है इसको एज कॉन्टैक्ट हमारी हेल्प वाइज की एप्लीकेशन में तो उसके लिए पहले हमें इस डेटा को मैप करना होगा तो मैप करेंगे क्यों तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं कोई भी टेक्स्ट फॉर एग्जांपल डमी को मैं अगर मैन्युअली लिखता हूँ तो होगा क्या हमेशा ये डमी और जो भी मैं डिटेल्स मैनुअली डालूंगा वही डिटेल्स ऐड होगी ठीक है तो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि हमेशा कोई नई डिटेल्स ऐड हो क्योंकि हम हमारे रूम में हमेशा न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या यहाँ डेटा को मैप करना पड़ता है तो मैप कैसे होता है तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया सिलेक्ट करते ही यहाँ पर एक ये मुझे ड्रॉप डाउन दिखा रहा है मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन का जो कि है गूगल शीट्स और उसके अंदर का जो डेटा है वो ये ड्रॉप डाउन से ओपन हो जाता है अब ओपन होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमें चाहिए प्राइमरी ई तो ये रहा ई मेल राइट तो ये ईमेल एड्रेस को हमें यहाँ मैप करने के मैप करना है तो मैप करने के लिए आप इसको सिंपली ऐसे ही सिलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट होते यहाँ पर ये मैप हो चुका है वैसे ही यहाँ पर फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम आगे बढ़ते हुए कंपनी नेम देन लास्ट बट नॉट रिलीज जॉब टाइटल तो सब चीज़ों को जैसे मैंने मैप किया आप भी ऐसे ही मैप कर लीजिएगा मैप करने से होगा कि हमेशा ये डेटा जो है ये वेरी होगा जब रियल टाइम में हम कोई नया डेटा ऐड करेंगे तो न्यू डेटा ऐड होता चलेगा ठीक है ऐसा करने के बाद मैं जैसे क्लिक करूँगा सेव इंसेंट टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो ये जो पर्टिकुलर डिटेल्स है उसके बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा मेरी हेल्प वाइज की एप्लीकेशन में उसके पहले मैं आपको वापस मेरी हेल्प वाइज की एप्लीकेशन की ओर लेके आता हूँ और मैं जाता हूँ उसके मैनेज सेक्शन में जहां पर मिलता है हमें कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन मैं इसको ओपन कर लेता हूं और ओपन होते ही आप यहां देख सकते हैं कि करंट में कोई भी कॉन्टैक्ट है नहीं मेरी इस एप्लीकेशन में तो कॉन्टैक्ट को ऐड करने के लिए मैं सिंपली करता हूं सेव इन सेंटर्स रिक्वेस्ट और ऐसा होते ही यह रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं बता रहा है स्टेटस सक्सेस और वो सारी डिटेल्स जो कि ऐड हो चुकी हमारे हेल्प फाइज़ के कॉन्टैक्ट्स में तो मैं वापस आता हूँ हेल्प फाइज़ के कॉन्टैक्ट्स में और एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ रिफ़्रेश होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है ये रही उसकी डिटेल्स जो कि है डमी डेटा जॉब टाइटल अकाउंटेंट ईमेल एड्रेस यहाँ आ चुका है तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और वो सिर्फ हमारी इस वर्क फ्लो की मदद से यहाँ पर ऐड हो चुकी है ठीक है तो इसका ये मतलब हुआ हमारी ये वर्क फ्लो जो है वो सही तरीके से काम कर रही है तो आप वापस आइए आपकी वर्क फ्लो की और देन इसको सेव कर लीजिए तो यहाँ पर ये यह जो डेटा है वो सेव हो चुका है अब जब मैं यहाँ पर यह वर्कफ्लो क्रिएट कर रहा था तो आपने देखा कैसे ही मैंने जो रिस्पॉन्स है वो पहले तो रिसीव किया मेरे गूगल शीट से और देन ऐड किया हेल्प की एप्लीकेशन में और देन क्लिक किया सेव इन सेंट टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो वो कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया लेकिन अगर रियल टाइम में मैं कोई डेटा ऐड करता हूँ मेरी गूगल की स्प्रेड में तो क्या वो भी ऑटोमेटिकली एक कॉन्टैक्ट क्रिएट कर देगी मेरे हेल्प के कॉन्टैक्ट्स में तो उसके लिए मैं दोबारा आता हूँ मेरी इस शीट की ओर और, और यहाँ पे कोई न्यू डेटा ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं इस बार लास्ट नेम देता हूँ डेटा देन जो फर्स्ट नेम था हमारा मैं वो लास्ट नेम में लिख देता हूँ या फिर इसको मैं डनी आ गया है तो डनी ही रहन देता हूँ कंपनी में इस बार मैं लिख देता हूँ ए और जॉब टाइटल में एस और उसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगा ई एड्रेस लेकिन ई एड्रेस डालने से पहले मैं वापस आपको कॉन्टेक्ट्स की ओर लेकर आता हूँ हेल्प वाइज की और एक बार इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि स्टिल यहाँ पर सिर्फ़ एक ही कॉन्टैक्ट है जो कि हमारी इस वर्क फ्लो की मदद से ऐड हुआ था कोई दूसरा कॉन्टेक्ट है नहीं तो मैं जैसे ही यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालूंगा और सिंपली एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कैसे ही कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा तो उसके लिए यहाँ पर मैं डमी जो ईमेल एड्रेस है वो डाल देता हूँ फाइन सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है मेरे लास्ट टिगर कॉलम में भी डिटेल ऐड हो चुकी है अब सिंपली मैं एंटर करता हूँ और एंटर करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डेटा सेव हो चुका है अब ऐसा होने के बाद मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है मैं सिंपली आऊँगा वापस से हेल्प वाइज के कॉन्टेक्ट्स में और इसको रिफ्रेश करूँगा रिफ्रेश होते ही आप देख सकते हैं कि एक नया कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है जिसको मैंने नाम दिया था डेटा डनी ये देख सकते हैं यहाँ पर आ गया इसका जो जॉब टाइटल था वो भी आ गया है साथ ही साथ इसका जो ई एड्रेस है वो भी आ चुका है तो है ना कितना ही ऑसम awesome ऑटोमेशन ये और आप इस ऑसम awesome ऑटोमेशन की मदद से ऐसा ही कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं बस आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी ये वर्क फ्लो हमेशा ही ऑन रहे जब तक ये ऑन रहेगी और आप डेटा ऐड करते चलेंगे आपके गूगल की स्प्राइड शीट में तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्ट क्रिएट करते जाएगी आपकी हेल्प वाइस की एप्लीकेशन में एक और ख़ास बात यहाँ पर ये यह जो मैंने वर्क फ्लो क्रिएट करी है इसका जो तो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वो लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ तो आप मेरे इस वर्क फ्लो को अपने अकाउंट में फ्रीली ओपन करके देख सकेंगे और अगर आप चाहते हैं सेम वर्क फ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप इस वर्क फ्लो को क्लोन करके इंस्टेंटली न्यू वर्क फ्लो भी क्रिएट कर सकते हैं तो थाना आसान और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए फॉरम डॉट और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद